प्रदेश के जंगलों में लगी आग को बुझाने में शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो, जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। आर्मी के हेलीकॉप्टर और आर्मी की सहायता हम लोग पहले से भी ले रहे हैं और कल भी यहाँ पर ली गई है, निकट भविष्य में भी लेंगे। वहीं सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वनाग्नि नियंत्रण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बताया कि वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं। जिलाधिकारियों की टीम मौके पर वनाग्नि बुझाने में लगी है। बैठक में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि जिन स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, वहां पर वन विभाग के अधिकारी, एसडीएम और स्थानीय पुलिस बल्कि संयुक्त टीम द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसओपी बनाई गई है। इसके तहत पहले फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हाल ही में उत्तराखंड में पारित पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो लोग बार बार आग लगाने की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जो लोग बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली मतलब जो जो गंभीरता इस समय बनी हुई है वनाग्नि की, उसको देखते हुए मतलब पूरा हम लोगों ने अपने पुलिस विभाग के भी जो भी रिसोर्सेज हैं और फायर डिपार्टमेंट के भी जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको पूरी तरह से मोबिलाइज करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे।